called the On-Field Umpire. Welcome to my channel and today I'm so happy and so excited क्योंकि आज मैं first time IPL match देखने जाने वाली हूँ. मैच है RCB versus पंजाब और मेरी favourite team CSK but I live in मोहाली so मेरे लिए convenient है यही वाला मैच. मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं first time विराट कोहली को सामने से देखने वाली हूँ और ये बहुत ही अच्छा experience होने वाला है. इतनी खुशी हो रही है that I can't express and let's get ready. तो मैं ready हो गई हूँ and one of my friend is in love with विराट कोहली. मैं उसका reaction देखना चाहती हूँ when I'll tell her. मैं IPL देखने गई थी, actually I have already told her but it was while we were sharing some memes so she thought मैं मजाक कर रही हूँ but I would love to tease her. दिस इज़ माई आउटफिट जो मैंने शॉर्ट्स पर ऑलरेडी डाल दिया है. अगर आपको पूरा देखना है आप वहाँ जाके देख सकते हो. बट आई एम पेयरिंग दिस बेज टॉप विथ माई फेवरेट डेनिम जीन्स एंड माई वॉच. बाकी सनस्क्रीन मैंने लगा ली है, मेकअप मुझसे होता नहीं है. सो आई थिंक वी आर रेडी टू गो, लेट्स लीव. ये रही मेरी प्यारी टिकट. इसके बाद हम कैब में बैठे और अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल गए. लेकिन वहाँ पे जाके इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, मतलब आगे जितनी लंबी लाइन लगी है पीछे भी उतनी ही लंबी लाइन लगी हुई है. और हमें लगा शिट मैच तो गया. और हुआ भी ऐसा, जब तक हम अंदर पहुँचे तब तक 8 ओवर तो निकल गए थे. तो इतना गुस्सा आ रहा था ना. और उन्होंने अंदर जाके हमें बोला कहीं पे भी बैठ जाओ. मतलब यार टिकट करवाने का क्या फ़ायदा अगर तुम्हें कहीं पे भी बिठाना है तो. मतलब इतनी मेहनत से हमने टिकट बुक करी, हमें लगा अच्छी सी सीट होगी हमारी, लेकिन कहा जहाँ सीट मिल रही है बैठ जाओ. लकीली मैंने विराट को आउट होने से पहले खेलते हुए देख लिया और मुझे इतनी खुशी हुई. बाकी धूप तो इतनी ज़्यादा थी, किस्मत भी क्या बोले. मतलब हमारी सीट तो थी दूसरी जगह लेकिन हमें दूसरी साइड जाके बैठना पड़ा क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रश था. फिर उन्होंने हमें कहा कि उस साइड बैठ जाओ क्योंकि वहाँ पे सीट्स है. डायरेक्ट सनलाइट हमारे मुंह पे पड़ रही थी और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी. हमें लगा ये जो हम जूस ले रहे हैं कोक, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कितनी एक्सपेंसिव होगी. एक ये 100 की पड़ी है. हमें तो अंदर तो खाना पीना बहुत ज़्यादा लूट है तो फिर सोच समझ के कुछ भी लेना. और अगर गर्मी होगी तो प्लीज़ प्लीज़ कुछ भी आप ऐसा कोक जैसे प्रोडक्ट मत देना, उससे डिहाइड्रेशन होती है और ज़्यादा प्यास लगती है. इससे अच्छा आप पानी ले लेना. और मौसम तो शाम तक बहुत अच्छा हो गया था, बीच में ब्रेक हुआ तो हमने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करवाई, वीडियो बनवाई. और डीजे थोड़ा बेकार था क्योंकि बहुत बीच बीच में गाने बजा रहा था और बस एक चीज़ पूछे जा रहा था किद्दा मोहाली किद्दा मोहाली. तो वो चीज़ थोड़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो गई थी एक पॉइंट के बाद कि भाई कितनी बार पूछेगा, कुछ नया तो कर ले. मुझे विराट बहुत पसंद है लेकिन ना मैं पंजाब को सपोर्ट कर रही थी और एंड में आरसीबी जीत गई, पंजाब हार गई. मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा और मतलब इतनी ज़ोर ज़ोर से मैं गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही थी पंजाब के लिए और वो हारी तो बुरा तो लगना ही था. इसके बाद जो आरसीबी फैंस थे वो तो खुश थे और जो पंजाब फैंस थे हाँ वो बेचारे चुपचाप जा रहे थे. इसके बाद थोड़ा आगे जाके हमने पास से सबको देखा और इतनी खुशी हुई. स्टेडियम खाली होने लग गया था तो फिर हम भी निकल गए. इतनी ज़्यादा थकान थी लेकिन इतना ज़्यादा एक्साइट. सो आई एम बैक और बहुत ज़्यादा थक लगी हुई है. अंदर पहुँचने में 40 मिनट लगे. इस वजह से एक पॉइंट पे तो मैंने ये सोचा कि मैं दोबारा कभी नहीं आऊँगी, लेकिन जब अंदर जाते हैं ना और मैच देखते हैं भाई, फिर तो मैंने सोचा दोबारा मुझे मौका मिला मैं दोबारा पक्का आऊँगी. लेकिन ये चीज़ जो मुझे सबसे बेकार लगी ना, मतलब आप पैसे ले रहे हो सीट्स के अकॉर्डिंग और अंदर जाके कह रहे हो कोई भी कहीं पे बैठ जाए, तो ये सही बात थोड़ी ना है. क्योंकि 1200 की भी थी, 1517, फिर 2200 की सीट्स थी. बट मतलब अंदर अगर आपको ये कहना है कहीं पे भी बैठे तो प्राइस सेम रखो ना फिर टिकट का. तो ये चीज़ मुझे थोड़ी बुरी लगी. मैच बहुत एक्साइटिंग था, मैं पंजाब के लिए रूट करी थी, पर आरसीबी जीत गई तो मुझे बहुत बुरा लगा. बट या इट वॉज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस. और सब्सक्राइब माई चैनल और अपने कॉमेंट्स मतलब कॉमेंट्स करना जो भी आपको लगा, मेरा ब्लॉग अच्छा लगा बेकार लगा, ऐसे और ब्लॉग देखना चाहोगे या कुछ भी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.